मंदिर का लुक डिजाइन कुछ ऐसा है और काफी देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देख लीजिए कैसा बना है मंदिर। एक पेंसिल से बस बना दिए थे ऐसे ऐसे गोल गोल, पेपर कट कर दिए थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आर्य अदित ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए आज मेरे घर क्या हो रहा है। हम लोग तो सुबह सुबह नहा धोवा के और जो भी अपना खाना पीना होता है वो हम लोग खा लिए हैं। और देखिए दोस्तों मेरे घर में आज क्या बन रहा है। इनसे बहुत कल हम लड़ाई किए हैं इस चीज के लिए रात में, और इसीलिए अभी ये चीज बन रहा है। मतलब पेमेंट भी आ गया, पेमेंट भी खत्म हो जाएगा, ये बनाएंगे भी नहीं मंदिर। तो दोस्तों 1500 मतलब का मंदिर यहाँ पर ऐसा ही इतना ही साइज का 1500 में मंदिर मिल रहा है ना जी, लकड़ी का। तो ये अपने कंपनी से एकदम मतलब न्यू कार्टून लाए थे, तो उसी कार्टून को देखिए कितना एकदम मस्त लग रहा है दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर। अभी बन के अभी रेडी हो जाएगा। इधर घूमिए थोड़ा आप। दोस्तों आज इस मंदिर को बना ही देना है किसी भी हाल में, मंदिर को बना के रेडी को दोस्तों किसी भी हाल में एकदम फटाफट रेडी कर रहे हैं, क्योंकि कल इस मंदिर के लिए रात में बहुत लड़ाई हुआ है, लड़ाई और मार कुटाई पूरा हुआ है। नहीं दोस्तों घर में पूजा ना हो बहुत मतलब मन नहीं लगता था। दोस्तों अभी हम झाड़ू लगा रहे थे, हम लोग मतलब आज खाना नहीं बनाए थे। क्या वजह था खाना ना बनाने का? यही वजह था कि ये आज ड्यूटी नहीं गए, जहाँ दूसरा जगह जाने वाले थे, और वहाँ का वजह था कि ये जींस एक ही है और ये जींस पहन के नहीं जाना था वहाँ पर ड्यूटी करने, वहाँ पर ड्यूटी करने जींस पहन के नहीं जाना था, तो वहाँ पर फुल पैंट पहन के जाना है। तो फुल पैंट जो इनका है हम आप लोग को दिखा देते हैं, फुल पैंट का क्या हाल हो चुका है। इसीलिए अभी जहाँ नया ड्यूटी पकड़े हैं वहाँ यही वजह था फुल पैंट का। देख सकते हैं ये फुल पैंट जो है ना दोस्तों, बहुत बेकार तरीका से, बहुत मतलब गंदा तरीका से फट चुका है। ये पॉकेट भी फटा हुआ था ना, देख सकते हैं। यही पेन की ये ड्यूटी, ये भी टूट गया था जिसमें बेल्ट लगता है। और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि अभी काम है हम लोग का, तो थोड़ा हम लोग काम कर। अभी शाम हो गया है, 5 बज गया है करीबन, तो अभी हम लोग रोटी बनाकर रोटी और सब्जी खा लिए हैं। क्या जी रोटी सब्जी खा लिए ना? और देखिए यहाँ पर अभी इनका मंदिर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, हम थक गए थे काम करते करते, अभी ये अपना मंदिर में लगे हैं। कितना बजे से लगे हैं जी आप? हमको लग रहा है 11-12 बजे से लगे हैं ना जी, शाम को 5 या 4 बज रहा है। देखा आपको गेट खोलो, अंधेरा हो गया है, नहीं खुल रहा है, लॉक कर दिया तुम क्या? अभी से लॉक कर दिया दोस्तों, अंधेरा हो गया है। और देख सकते हैं किचन में भी लाइट चल रहा है और रूम में भी, क्योंकि अंधेरा हो गया। अभी रोटी खाया ना इसीलिए, देखिए रोटी खा के पानी भी पी, बहुत मतलब इसमें भी खर्चा हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करिएगा, मंदिर तो बनाना, जहाँ 1500 के जगह पर 200-300 में मेरा मंदिर अच्छा बन जाए। और देखिए अभी इसको कंप्लीट होने में करीब 1 घंटा का, इधर देखिए ना, एक घंटा इसको कंप्लीट होने में पूरा बढ़िया से टाइम लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। और देखिए दोस्तों अभी हमारा जो मंदिर था वो पूजा करने वाला है, फाइनली बन के तैयार हो गया, और देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आज बनाने में दोस्तों हमको आज करीब पूरे दिन लग गया है, और बनाने में सुबह से मतलब पूरे दिन का दोस्तों 11 बजे लगे थे बनाने के लिए, बनाते बनाते मतलब 6-7 बजे तक ये मंदिर हमारा जाके क्लियर हो गया और खूब बढ़िया बना। आपको बैक कैमरा से हम अच्छे से दिखा देते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा मंदिर। मंदिर का लुक डिजाइन कुछ ऐसा है और काफी देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देख लीजिए कैसा बना है मंदिर। एकदम खूबसूरत बन गया दोस्तों। अभी माता जी का नहीं इसमें गृह प्रवेश हुआ है, नया मंदिर बना है, और थोड़ी देर में कल अभी माता जी का जो कपड़ा वपड़ा सारा धुलाएगा फिर उसके बाद गृह प्रवेश होगा। और यहाँ पे उठ के देखिए ये झाड़ू लगा रही है दोस्तों, देख लीजिए देखने में तो चेहरा सुंदर लग रहा है लेकिन अंदर से
काल भैरव वाला रूप धारण करके बैठी है। देख लीजिए इधर से दिखा देते हैं, देख लीजिए मंदिर बनने की खुशी में चेहरा इतना फूला हुआ है चेहरा से खुशी का बू आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए एकदम चेहरा से कभी व्हाइट हो जा रहा है कभी काला हो जा रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और देखिए मेरा चीनी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, रेलगाड़ी में। अच्छा रेलगाड़ी में बैठा, वो एक गत्ता नीचे ले लिया उसको बोल रहा है रेलगाड़ी बैठाऊं। और हमारा मंदिर भी बन के दोस्तों रेडी होगा, इतना खूबसूरत दोस्तों देखने में लग रहा है ना, लग रहा है कि जैसे मार्केट से एकदम, देख लीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और लुक भी इसका डिजाइन बना दिए है यहाँ पे दोस्तों जो है ना, यहाँ पे प्रसाद उरसाद रखने के लिए दीयो जलाने के लिए अंदर दिया तो अंदर भी ख्याल जल सकता है, अंदर में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रसाद उरसाद जितना होगा अपना वो रखाएगा। और यहाँ पे कल से पूजा करेंगे, कैसे करिएगा पूजा, यहाँ पे फूल भी लगा हुआ है, देखिए फूल भी लगा दिए मस्त वाला फूल है दोस्तों। और देख के बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि हम मतलब बहुत दिन से कह रहे हैं इनसे बना दीजिए, आखिर में आज इनसे कल रात में लड़ाई हुआ था। लाइट भी लग गया दोस्तों, लाइट भी चल रहा है, लाइट इसमें लगेगा ना यहाँ पर अंदर से लगेगा, कुछ व्हाइट कलर का अंदर से लगेगा ना दोस्तों, व्हाइट वाला वो मंगाएंगे दिन में, ये अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। और ये डिजाइन काटे हैं हम बनाए हैं, देख लीजिए अपना तो योगदान देना जरूरी कम है। अगर आगे का लुक ना हम काटते ये डिजाइन तो मंदिर का लुक नहीं आता आपका। अच्छा सारा चीज का क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है, दूसरे को लेना नहीं चाहती है। ये जो डिजाइन है दोस्तों जो आगे से जो डिजाइन काटे हैं हम काटे हैं, और इसमें कुछ एक पेंसिल से बस बना दिए थे ऐसे ऐसे गोल गोल काटा, कौन था पेपर कट के दिए थे। अच्छा तो डिजाइन बनाया उसको हम दोस्तों, हम अपना यहाँ पे कल 20 रुपए का नाइफ खरीद के लाए थे और इसी से हम काटे थे। और दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि अगर मतलब कुछ और ऐसा हो जाएगा कुछ डिजाइन बनाएंगे, अभी नहीं और कुछ डेकोरेट होगा दोस्तों इसमें, और अभी तो सोचिए तो बहुत कुछ होगा। और लेकिन अभी 50-100 रुपए करीब और खर्चा है इसमें, लाइट लाए छोड़िए कितना भी लगाए, मेरा मंदिर अच्छा बन गया, 150 करीब लग गया है दोस्तों इसमें सारा, मतलब हमको आए 1 महीना हो गया इस मकान में, घरे मेरे घर एक दिया नहीं जला तो मंदिर की वजह से, मेरे भगवान ऐसे रखे हुए थे। और कल मेरे को बहुत हो रहा था, जब पेमेंट आया था तो मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, मकान का पेमेंट दिया गया, एक मेरे माता रानी का मतलब पूजा का मंदिर नहीं बन पाया, आज फाइनली बन गया, आज बन गया। और कल से पूजा करना शुरू कर देंगे, और 22 जनवरी आ रहा है, हमारा राम जी आ रहे हैं, हम लोग 22 जनवरी का पूजा भी करेंगे इसीलिए, और हम बेचैन करके बनाए क्योंकि 22 जनवरी का थोड़ा खास पूजा होगा, और हमारा भगवान सारे इसी में है, इस पन्नी में तय करके रखा है, कल इनको जितना सारा कपड़ा है ना भगवान का सब खुला जाएगा, अलमारी भी नहीं है रखने के लिए, सब हो जाएगा दोस्तों। मंदिर के लिए एक छोटा सा पर्दा सी लिया है हम लोग, पर्दा बन जाएगा। और दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, और वीडियो बहुत खुश है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।